नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोविड 19 के नए वेरिएंट B11282 का पता लगाया है। ये वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील से भारत आए लोगों में मिला है। नया वेरिएंट संक्रमित लोगों में गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। NIV के पैथोजेनेसिटी की जांच करके बताया है कि ये वेरिएंट गंभीर रूप से बीमार करता है। स्टडी में वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन असरदार है या नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत बताई गई है। NIV की ये स्टडी ऑनलाइन बायोरिक्सिव में छपी है। हालांकि NIV पुणे की ही एक और स्टडी कहती है कि कोवैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। इस स्टडी के अनुसार वैक्सीन की दो डोज से जो एंटीबॉडी बनती है वो इस वेरिएंट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इस स्टडी के अनुसार B11282 वेरिएंट ने संक्रमित सीरियाई चूहों पर कई प्रतिकूल प्रभाव दिखाए हैं। इनमें वजन कम होना, श्वसन तंत्र में वायरस की कापी बनाना, फेफड़ों पर घाव होना और उनमें भारी नुकसान दिखा गया है। इस स्टडी में SARS-CoV-2 के जीनोम सर्विलांस की जरूरत पर जोर दिया गया है ताकि इम्यून सिस्टम से बच निकलने वाले वेरिएंट को लेकर तैयारी की जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ऐसे म्यूटेशन का पता लगा रही है जो बीमारी के संक्रमण में ज्यादा योगदान दे रहे हैं। अभी INSACOG के तहत 10 राष्ट्रीय लैब ने करीब 30,000 सैंपल सीक्वेंस किए हैं। सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ावा देना चाहती है और कंसोर्टियम में 18 और लैब हाल ही में जोड़ी गई हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।